नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। नूरपुर से सपा नेता राम अवतार सैनी को हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है, जिसको लेकर सपा नेता राम अवतार सैनी ने पूर्व जिला सचिव काजी इदरीस अहमद के निवास स्थान पर एक बैठक की और हाईकमान की ओर से मिली हरी झंडी पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। जानकारी के अनुसार गठबंधन ने बिजनौर से प्रत्याशी देरी से घोषित करने की सोच रखी है। इसी को लेकर लखनऊ में बिजनौर से कई लोगों ने टिकट के लिए जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में नूरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए सपा नेता राम अवतार सैनी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उनकी सपा हाईकमान से मुलाकात हुई। राम अवतार सैनी ने बताया कि सपा हाईकमान ने नूरपुर विधानसभा से पुनः चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिससे वह नूरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने सपा पूर्व जिला सचिव काजी इदरीस अहमद के निवास स्थान पर एक दूसरे को बधाई दी। आपका नाम क्या है? राम अवतार सैनी। आपको नूरपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने जो विधायक प्रतिनिधि बनाया है, तो आपका इसके बारे में क्या उद्देश्य है और किस इस तरह से आप पार्टी को आगे बढ़ाओगे, किस पार्टी सीट निकालोगे यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठा हिंदुत्ववाद चला रखा था और भारत के प्रधानमंत्री जो अपने आप को पिछड़ा बना के, वो जन्म तो पिछड़े नहीं थे लेकिन बने हुए पिछड़े थे, और इस देश के पिछड़ों को धोखा दे के जो इन पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, वंचितों का जो अधिकार इन्होंने छीना है, आज पूरे प्रदेश का, अपने पूरे देश का जो पिछड़ा दलित गरीब है, वो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या कुछ 4 या 5% लोग जिनको वो लाभ देने का काम कर रहे हैं, क्या वही हिंदू है? तो आज इस हिंदुत्व का फर्जी भंडाफोड़ करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। तो अखिलेश यादव जी ने आपको समाजवादी में प्रत्याशी बनाया है, तो उन्होंने किस नीति पे आपके लिए बनाया है? या देने को तो वितरित तैयारी पे थे, क्या आप पे विश्वास जगाया है, किस उम्मीद से जताया आप पे विश्वास? मैं उत्तर प्रदेश सरकार में BOC बोर्ड का मेंबर था और बिजनौर जिले में करीब 1.5 लाख पंजीकृत वर्कर हैं जिनको हमने लाभ दिलवाया है, तो ये सोच के ये लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ अतिरिक्त होगा, प्लस अति पिछड़ों का और दलितों का वोट जो है हमारे साथ आएगा, ये सोच के मुझे यहाँ जुड़ना चाहिए। हम जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन के संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी, हमें सभी वर्गों का, सभी धर्मों का हमें वोट मिलेगा, और यहाँ पर जितने भी समुदाय हैं और खासकर अल्पसंख्यकों के साथ यह जाति हुई है, तो सब अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा होगा, दलित खड़ा होगा, पिछड़ा खड़ा होगा, और जो 15% अगले हैं उसमें भी हमारी हिस्सेदारी है, वो भी हमको वोट मिलेगा, ये हमारी जीत का रास्ता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजी इदरीस, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। इन्हें समाजवादी पार्टी का जो जिला सचिव आपको विधानसभा प्रत्याशी नियुक्त कराया नूरपुर से, तो आपके इनके बारे में क्या राय है, क्या पार्टी की कमान सही मशवरा था कैसे? जो पार्टी हाई कमान ने, भैया अखिलेश यादव ने फैसला किया है, मैं बहुत अच्छा फैसला मानता हूँ कि पार्टी का सही कार्यकर्ता वही है कि पार्टी अध्यक्ष जिसके हक में भी फैसला करे, हम उसी के साथ ईमानदारी के साथ एक एक वोट हमारा वहाँ पे खड़ा है, और हमारे जो भी लोग समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, चाहे वो हमारे इरशाद साहब हो, नईम साहब हो या कुलतेज जी हो, सब लोगों का सहयोग इंशाल्लाह पूरे पार्टी के लोगों का राम अवतार सिंह जी के लिए रहेगा, और एक एक वोट हमारा खास करके मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यक, दलित, यादव, जाट, जो हमारा गठबंधन है, वो एक एक वोट समाजवादी के हक में होगा, और इसी के साथ हमारी बहुत इंशाल्लाह बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और गठबंधन के साथ हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अखिलेश यादव सारे समाज को लेकर साथ चलने वाले हैं, सभी धर्मों के लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे समय में जो हमारे बीच में प्रत्याशी एक सैनिक समाज से बना के भेजा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं पार्टी अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ साथ मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक एक वोट सही समय पे साइकिल पे मोहर लगा के और हमारे रामतार सिंह सैनी जी को कामयाब। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।